वाशिंग सोडा। तो आइए देखते हैं वाशिंग सोडा का इंट्रो क्या है। सबसे पहले वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, Na2CO3 × 10H2। फिर इसका केमिकल नेम आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये सोडियम कार्बोनेट है और इसमें 10H2O है, इसलिए 10 के लिए डेका और H2O के लिए हाइड्रेट लिखा गया है। तो इस तरह से केमिकल नेम आ गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर कॉमन रूप से इसको क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा, तो इसलिए कॉमन नेम की तरह बोल सकते हैं हम इनको वाशिंग सोडा। और ये बेसिक सॉल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो है वाशिंग सोडा, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब सफेद रंग का सॉलिड होता है ये, उसमें भी क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन इन नेचर। इसका जो वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है ना, वो सॉल्यूशन एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। इट हैज प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, सो इट इज नोन एज वाशिंग सोडा। अब बच्चों, वाशिंग सोडा में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो डर्ट को रिमूव करती है, डर्ट एंड ग्रीस को रिमूव करती है। सो बच्चों, यहाँ आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, वाई सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज नोन एज वाशिंग सोडा। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स, सो इट इज नोन एज वाशिंग सोडा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में फिर है, इट कैन बी ऑब्टेन बाई हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड आफ्टर दैट ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वाशिंग सोडा। बच्चों, इनको हम बेकिंग सोडा को गर्म करने के बाद प्राप्त करते हैं, यानी वाशिंग सोडा कैसे प्राप्त करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करके, एंड आफ्टर दैट ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन के पश्चात अपने को वाशिंग सोडा मिलता है। तो ये था वाशिंग सोडा का इंट्रो। अब हम बात करेंगे इनके बनाने के जो मेथड है ना, इनके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस। हम सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा वाशिंग सोडा को प्रिपेयर करेंगे। इसको हमने दो तीन स्टेप में लिया है। फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अब अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन तैयार होता है उनको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, यानी नमक और पानी के घोल को क्या बोलेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे बोला गया अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, उस ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया को मिलाएंगे तो इस प्रकार बन जाएगा अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन से CO2 गैस पास कराते हैं। व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू CO2 गैस, इट प्रोड्यूसेस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को CO2 गैस से पास करवाते हैं तब सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यही सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सेकेंड स्टेप, ऑन फर्दर हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूसेस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट CO2 एंड वाटर वेपर। अब क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट करने के बाद यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है,
इसके बाद H2O और CO2 मिलता है। अब नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड करते हैं। सोडियम कार्बोनेट ऑन एडिंग 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा। थर्ड स्टेप में कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन ये बनता है Na2CO3 × 10H2O और इसी को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। एक बार फिर से देख लें, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करने के पश्चात यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स सोडियम कार्बोनेट के साथ रिक्रिस्टलाइज करते हैं, जब जाके हमारे को मिलता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ब्राइन सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड एमएम वाटर का सॉल्यूशन होता है, उन्हीं को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा का यूजेस। फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसका यूज ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में होता है। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। इसका यूज सोडियम वाले कंपाउंड में किया जाता है, जैसे कि एक सोडियम का कंपाउंड है बोरेक्स। नेक्स्ट यूज में आ गया, इट ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर और जनरली दो तरह का होता है, एक तो सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसमें भी एक तो टेम्परेरी हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है। तो वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो वॉशिंग सोडा के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, तो इसलिए परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट में है, इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट। इसका यूज हम क्लीनिंग एजेंट की तरह भी करते हैं इन हाउसेस, घरों में एंड लॉन्ड्रीज में, लॉन्ड्री में करते हैं। ये रहा, ये पूरा का पूरा हमारा वॉशिंग सोडा था, जिसमें हमने इंट्रो बताया, उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज बताई, फिर उनके बनाने के मेथड यानी प्रिपरेशन मेथड बताया, और वो प्रिपरेशन मेथड सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा था।